करती हूँ कि आप तो कैसे होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दुख से तकलीफ है अल्लाह ताला उसे दूर फरमा। आमीन आमीन। मेरे सब आंटी और अंकलों का शुक्रिया जो हमारी सारी वीडियो को देखते हैं। तो आपने हमारी वीडियो को पूरा देखना है और लाइक शेयर ज़रूर करना है। आज तो आज अरफान बाजी की दावत है, हम उस पर भी जाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं उन बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ अपने इस सवाब के लिए पैसे भेजते हैं, दावतों में पैसे भेजते हैं। तो यहाँ क्या आपको पता है कि यहाँ की फैमिली काफ़ी गरीब है, तो जिन बहन भाइयों की भी आप हेल्प करते हैं उनकी तरफ से मैं आप लोगों का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुमा आमीन। आपके घर में कोई भी दुख या तकलीफ़ है अल्लाह ताला वो दूर फरमाए। तो इसी तरह आप हमारी हेल्प और तावन जारी रखें। देखें जी माशाल्लाह हम दावत पर पहुँचे हैं, तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक मंजूर करे इरफान अबाजी की दावत। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन बहन भाइयों को भी घर में खैर करे जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। दुआ है उनका भी घर में कोई भी दुख या तकलीफ हो अल्लाह ताला वो दूर फरमाए। आमीन आमीन। मान के मैं आज है इरफाना की दावत, तो जुमेरात है उसके लिए इस साले सवाब के लिए हर जुमेरात ही जुमेरात कुरान शरीफ तिलावत करके उसे इस साले सवाब करती हैं। तो हम बहन भाई आप लोगों के लिए भी काफ़ी दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके घर में कोई भी दुख या तकलीफ अल्लाह ताला को दूर फरमाए। ये देखिए ये ईमान के काम बिल्ली के साथ खेल रही है जी। ये देखें जी नीचे से भालू को पकड़ा हुआ, क्या कर रही है ईमान? ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रात को ईमान के साथ सोती है, दिन को भालू और बिल्ली के साथ खेलती है। और ईमान की अम्मी बना रही हैं जी चाय। ये देखें जी इसके कान देखें जी। ईमान की अम्मी क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। ये देखें जी ये बिल्ली हर वक्त ही ईमान के साथ रहती है। आठ दस दिन मैंने चाय बनाई है, बहुत ही मुश्किल काम है यार, सबसे ज्यादा आग जलाने का काम मुश्किल होता है। देखें जी प्यारे बहन भाइयों माशाल्लाह से ईमान और उसकी अम्मी चाय बना रही हैं मेरे लिए, अपने लिए, हम तीनों के लिए। हमारी काफ़ी छोटी फैमिली है, आपने दुआ करनी है ईमान की अम्मी को अल्लाह पाक सियात दे। काफ़ी मेरी बहनें दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी करे। तो अभी तो यहीं रह रहे हैं। ये देखें जी हमारे किचन का हाल, यहाँ से हमने कूच करना है तो अभी इसकी साइड नहीं गई। मैं तो कहता हूँ ईमान की अम्मी रमज़ान शरीफ का महीना यहीं रुक जाते हैं, जाए जा जो है ना हमारा कमरा वो रमज़ान शरीफ के बाद ही बनेगा। अब मुझे इधर उधर के काम बहुत है, ठीक है? हाँ तो अभी इसी की सैडें करते हैं, एक माह यही काम करेंगे, रोज़े रखेंगे, ठीक है? वहाँ हमें मुश्किल हो जाएगी, वहाँ सैडें करना इतना आसान नहीं है, आपको तो पता है इधर उधर के काम होते हैं। तो मेरी प्यारी बहन कह रही थी कि भाभी से कहो कि सालन बनाया करे, वो शेयर किया करे। तो ये तो हमारे लिए कुछ बनाती नहीं, हम इधर उधर से लेकर गुजारा कर लेते हैं। तो आप बना दोगी? जरूर
जब शाम होती है जो मैं ब्लड प्रेशर वाली गोली खाती हूँ उससे मुझे वो सर में चक्कर आने लगते हैं, तो मैं बना नहीं सकती, फिर मैं अम्मी से लेकर आ जाती हूँ दोनों के लिए। वो क्या कहती होंगी, देखो शबाज कुछ मैं सब कुछ लेकर देता हूँ आपको। तबीयत सही नहीं होती ना शाम के वक्त। हाँ ये बात ठीक कह रही, जब शाम होती है तो पता नहीं कोई जिन है या पत्नी से क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये वहम करती है। वहम का कोई इलाज नहीं है, लुकमान हकीम के पास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वहम मत किया करो, जो तरीक हमारी कब्र में लिखी है ना मान के अम्मी, वो बाहर नहीं आ सकती, मैं बस इतनी बता दूँ आपको, ठीक है। तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मैं सोच कर उस बात को परेशान हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा भी यही होगा और मैं भी। हाँ प्यारे बहन भाइयों, एक हमसाई सुबह सुबह आई हमारे घर में, तो उसने कहा मेरे हस्बैंड का ना जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है और हस्बैंड 202/20 चला गया, तो इसी ने हम उस वक्त खाना खा रहे थे, तो एक मिनट में बात कर लूँ, रख दो अभी डाल दो, देख में डाल दूँ दोबारा ले लेता तो हूँ, अभी कच्ची है चाय का रंग नहीं सही बना, ये देखिए हाँ अभी थोड़ी सी आग और जला, 220 चला गया, तो इसने ली टेंशन, हम खा रहे थे खाना, तो ये कह रही है ये देखो मेरी टांगों में ना वो क्या हो रहा था, हाँ वो टांके कांप रही हैं, वही बात हो गई इसके साथ भी, टांके कहाँ पे टांग रही हैं इसके साथ भी, तो जब भी मैं सुनती हूँ ना किसी जगह तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती, इसलिए वो जरा ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाता है। ये असल में मैं सीधी बात बताऊँ, ये टेंशन से होता है, दिमाग की जो टेंशन है। खाती थी भी मैं नहीं, इतना नमक तो बिल्कुल नहीं खाती। चलो अल्लाह बेहतरी करेगा। ये देखें जी अरब रकमतुल वीज़ा आ गया है कहीं से, ये देखें जी बच्चों के काम, ये सऊदी अरब का इसने लिबास पहन रखा है, ये देखें जी ये क्या खा रही हो, दिखाओ तो सही, बेर तो दिखाओ, दिखाओ तो सही, बेर तो दिखाओ, ये देखो जी काफ़ी बड़े बेर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जी ईमान की सहेली, ये आ गई दोनों सहेलियाँ। ये देखें जी ईमान की सहेलियाँ भी आ गई हैं, ईमान बेर नहीं खाएगी क्योंकि इनकी क्लो की तबीयत कल की ख़राब है।